सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन टू एंजॉय वीडियोस ऑन इंग्लिश लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स। Such a great poem is this on this very daughter-mother relationship, and Kamala Das was a master of that sensitive writing. So we will recite it first, the poem. Driving from my parents home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at the young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her wan, pale as a late winter moon, and that old familiar act, my childhood fear. But all I said was, "See you soon, Amma." And I did was smile and smile and smile. So this is the poem. Very nice to read it. You will enjoy it if you read it. So now I will elaborate this with meaning. What happens? One day, Kamala Das, poetess, was going to Cochin airport. वो उसकी मदर के पास मिलने आई होगी, तो वो वापस जा रहे हैं. Driving from my parents' home, पेरेंट्स के घर से वो जा रही है, आई हुई होगी. उसकी अपनी शी माइट हैव सम ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म टू देयर इन लॉज और हर ड्यूटी. सो शी वॉज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. आई सॉ माई मदर, उसने अपनी माँ को अपने बाजू वाली सीट के में जो है बिसाइड मी डोज 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 होता है कि एक लाइट स्लीप लेना, झपकी लेना जिसको हम कहते हैं. आपको डोज कब आता होगा? जैसे आप हाफ टाइम में लंच कर लेते हैं हैवी, तो जो सिक्स पीरियड होता है उसमें जो आपको झपकी आती है उसको हम डोज कहते हैं. तो आपने भी इसका एक्सपीरियंस किया है. सिमिलरली हर मदर इज हैविंग डोज, एंड शी वाज ओपन माउथ्ड. वो जो थी डोज भी कर रही थी और वो जो था उसका मुंह खुला हुआ था. तो व्हेन कमला दास सा हर फेस, इट सीम्ड हर टू बी लाइक एन एशियन. लाइक एशियन होता है कि जिसके चेहरे पे कोई रौनक ना हो, जो बुजुर्ग होता है आपने देखा है कलरलेस फेस होता है उसका, पेल होता है वो, उस पर कोई रौनक नहीं हो रह जाती है. एट द एज ऑफ जो 66 की बात हो रही है, तो शी सॉ हर डोजिंग ओपन माउथ एंड हर फेस वाज लाइक एशियन एंड दैट ऑफ ए कॉप्स. कॉप्स होता है कि डेड बॉडी, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन, नॉट एनी एनिमल. कॉप्स जो कहते हैं हम उसको डेड बॉडी कहते हैं, वो भी ह्यूमंस की. एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि हाँ वो बहुत बहुत बूढ़ी हो चुकी है. एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यहाँ पर देखिए सिमिली यूज किया गया है. तो बड़ा अच्छा पोएटिक डिक्शन की भी वो मास्टर थी. फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुआ है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ. बट सून पुट दैट थॉट अवे, और फिर मैंने उस कार के अंदर के जो एटमॉस्फेयर है उससे मैंने जो है उस थॉट को बाहर निकली मैं. एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहाँ भी देखिए आप पर्सोनिफिकेशन हो रहा है कि यंग ट्रीज जो हैं भाग रहे हैं. एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कार में बैठे हैं और कार जो है फास्ट मूव कर रही है, इट्स यू एंड नॉट ट्रीज, बट इट सीम्स एट ट्रीज आर स्प्रिंटिंग. तो यहाँ पर जो है ट्रीज को जो है पर्सोनिफिकेशन भी किया गया है, और आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग और द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग. स्पिलिंग होता है कि जब कंटेनर से कोई चीज़ हमसे निकल कर गिर जाए उसको हम स्पिलिंग कहते हैं. तो वो भी बच्चे जो हैं मैरी चिल्ड्रन हैं. अब यहाँ पर देखिए कंट्रास्ट किया है पोइटस ने कि कार के अंदर का जो माहौल है दैट इज़ डेथ लाइक, कलरलेस है और कोई एनर्जी नहीं है, ओल्ड है,
सैड है, लेकिन बाहर का जो सीन है कार के बाहर वो देख रही है, वहाँ पर ट्रीज जो हैं वो एक एनर्जी का प्रतीक है, सिंबल सिंबल हुए हैं ये, और ये जो मैरी चिल्ड्रन है ये भी सिंबल है ग्रोथ का, एनर्जी का और हैप्पीनेस का, एंजॉयमेंट का. मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, चाहे वो स्कूल जा रहे हैं या घरों से बाहर खेलने के लिए निकल रहे हैं, वो देखती है. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, इतने में ही व्हेन दे रीच एयरपोर्ट दे हैव टू अंडरगो चेकिंग स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे. नाउ सी दिस डिपार्चर जो है उनका, वो भी जो है कुछ यार्ड से हो रहा है. जो है हर मदर जो है डिड नॉट कम आउट ऑफ द कार, एंड वो कुछ यार्ड से ही जो है उसको देख रही है. आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, और फिर से जो है उसका वैन 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 और पेल, वैन होता है कि जो इलनेस के कारण या एग्जॉशन के कारण जो हमारा चेहरा जो है कई बार उस पर थकावट सी रौनक सी नहीं रहती है, दिखाई देती है, तो वैन पेल फेस वो कुछ यार्ड से देख रही है. ये जो डिपार्चर है वो भी अनकन्वेंशनल है. आप देख रहे हैं जनरली व्हेन वी डिपार्ट फ्रॉम समवन वी हैव हग, वी किस देम या वी शेक हैंड, बट हियर द डिपार्चर इज फ्रॉम फ्यू यार्ड्स, शी इज स्टिल इन कार एंड कमला दास इज आउटसाइड फ्यू यार्ड अवे, एंड शी लुक्ड अगेन दैट व्हेन पेल फेस को वो दूर से ही देखती है एज ए लेट विंटर मून. यहाँ पर देखिए एक बार फिर से सिमिली यूज हुआ है, एज जहाँ लग जाता है वो सिमिली होता है, एज है या लाइक है. यहाँ पर उसकी तुलना जो है उसके व्हेन पेल फेस की तुलना जो है विंटर मून से की है. विंटर जो प्रतीक है ढलती उम्र का, जैसे साल का अंतिम जो है अंतिम जो मौसम है सीजन है विंटर होता है, इसी तरह जो है ह्यूमन का जो है वो लास्ट समय है, तो उसका चेहरा भी जो पेल पड़ा हुआ है. विंटर का मून भी जो है इतना उसके अंदर एनर्जी ब्राइटनेस नहीं होती है, वो डल डिम होता है. तो यहाँ पर उसकी तुलना सिमिली लगाया गया है. एंड दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और वो पुराना दर्द. अब देखिए कमला दास सोच रही है कि मेरी मदर जो है वो एजिंग में है और वो शी इज़ ग्रोइंग मोर एंड मोर ओल्ड एंड शी माइट नॉट लिव विद हर फॉर लॉन्ग नाउ. तो वो उसको पुराना दर्द, ये कौन से एक की बात हो रही है. यहाँ पर राइटर ने हमें सोचने के लिए एक जो है वो किया है कि आप ही देखिए, एक हो सकता है कि शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ जस्ट 15 एंड एट द एज ऑफ 16 शी वॉज ए मदर. तो हो सकता है वही जो उसमें उनका बचपन में ही उनका विवाह हुआ और वो फैमिलियर एक बिछड़ने का जो सेपरेशन है वो एक बार फिर से कि एक बार मैं जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज इन दिस अर्ली एज एंड नाउ हो सकता है कि मैं दोबारा ना मिलूं, तो वही पुराना दर्द जो है उसका उसको वापस आ रहा है. माई चाइल्ड हुज फियर, वही बचपन का दर्द. यहाँ पर देखिए अब फिर से एक बार बोला उसने, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. लेकिन वो बोलती है कि मैंने उसे क्या बोला, कुछ नहीं बोला, और उसको मैंने एक पॉजिटिव नोट देना चाहा कि हम जरूर मिलेंगे अम्मा, दोबारा मिलेंगे. जो नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर आ रही हैं कि पता नहीं मैं अपनी माँ से दोबारा मिलूंगी कि नहीं मिलूंगी, तो यहाँ पर वो अपनी माँ को ऐसा कुछ भी एहसास नहीं होने देना चाहती है. शी डिड नॉट वॉन्ट दैट हर मदर शुड ऑल्सो थिंक लाइक दैट. तो वो कहती है सी यू सून अम्मा एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. और देखिए आप आखिरी में वो क्या करते हैं, मैंने किया क्या, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ मैं मुस्करा दी. और उसकी मुस्कुराहट के पीछे देर इज लॉट हिडन बिहाइंड हर स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. और आगे देखिए आप एलिप्सिस लगाया है, एलिप्सिस है कि उसके पास और भी अभी बहुत कुछ मन में था, लेकिन वो सिर्फ स्माइल 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 करके ही जो है अपने जो है यहाँ पर उसको जो है फेयरवेल कहती हैं. सो वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट यू सी दिस पोएम एंड देयर इज नो फुल स्टॉप. दिस इज वन सेंटेंस पोएम, मीन्स कि कमला दास वांटेड कि और कोई भी इमोशन थॉट्स मेरे अंदर ना आए, मैं सिर्फ अपनी मदर और डॉटर का जो एक रिलेशन था उसी पर ही एक पोएम. जनरली वी सॉ 3-4 स्टैंजास बट हैविंग different ideas, but here you will see not even full stop is there, and poem ends with ellipses. Ellipses hai ki there is still a lot which goes ahead beside this smile, smile and smile. There is lot in the heart of a poetess to say about her mother. To ye usne choda hai, to ye one sentence, one idea poem we can say this.
तो आप देख सकते हैं दिस पोइम वाज वेरी ब्यूटीफुली रिटन एंड इन विच ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर एज ही वाज वेरी सेंसिटिव नेचर्ड पोइटेस सो एंड वेरी ब्यूटीफुली द ही शी जो है शी कंक्लूडेड हर थॉट्स इन दिस पोइम शी हैज यूज्ड लॉट्स ऑफ poetic diction in which you can see two similes are there as old as she looked and here she was compared as a late winter moon and also there are lot of symbols to yahan par aap dekh sakte hain merry children spelling jo hai ye enthusiasm ka jo hai symbol hai और ट्रीज स्प्रिंटिंग जो है ये ग्रोथ का सिंबल है तो कार के अंदर का माहौल और बाहर का माहौल एक कंट्रास्ट भी जो उसने दिखाया है एज अ लेट विंटर मून ये भी जो है डेथ का डिके का ठीक है एंड एंड का जो एक तरह से इसने ये सिंबल यूज किया है सो दिस वाज द पोइम लेट्स डू इट्स एक्सरसाइज नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एक that the poet feels that poetess is in fear of losing her she has grown old and says that she is going to lose her mother and that's why she is in pain and ache another question which is asked from this poem is why the trees are described as sprinting as you saw in the while studying the poem that once poetess was driving to airport and when she saw outside she saw that trees are running actually trees are not running their car is moving fast they were running towards poetess and that is why that trees were described as sprinting why has the poet brought in the image of merry children spelling so it is also asked and this is answer you can say the that reason is that poetess wanted to draw a contrast between the atmosphere inside the car and outside the car inside you studied that her mother had grown old and her face was wan and pale on the other hand outside were young children spelling of their homes these children were having image of happiness and energy so to make a contrast between the two the poetess brought in the image of merry children spelling out of their homes question next question is asked why her mother is considered as late winter's moon her face is considered as compared to so in this answer we can say poetess mother is now 66 she has lost all her beauty and her face is no strength is there and her face is pale and wan and she has grown old now she has lost shine and strength of her youth similarly the winter moon during the winter moon also has lost its brightness and shine so the poetess has rightly compared her mother's face with that of winter's moon next important question which is asked from this is ki what is importance in poetess smile at the last of this poem and also how her parting words are signified in this poem so in answer we can say poetess heart is filled with sorrow by seeing her mother's fade wan pale face from few yard away and she realizes that she is not going to live long but she gives her mother an assurance of life that's why she said see you soon amma to overcome the fear that she was feeling inside of her heart by doing so she also assures her mother that she will live long the 4-5 questions that are asked from this beautiful poem my mother at 66 by Kamala Das and that was very interesting poem I think you must have enjoyed this very much
और अभी भी अगर आपको इस बारे में कोई अनक्लैरिटी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताएं, और मैं आपके कमेंट्स को देखना बहुत पसंद करता हूं, और चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें। मैं आता हूं नेक्स्ट वीक को आपके पास एक नया लेसन लेकर। टिल देन एन्जॉय योरसेल्फ। थैंक यू।